सुप्रभात मित्रों, साथ गवर्नमेंट जापान यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे और अपने कार्यों में लगे हुए होंगे, जैसे कि सुबह की दिनचर्या सभी की होती है। तो जाहिर सी बात है, कुछ लोग तो अभी बिस्तर में घुसे होंगे, है ना। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बिस्तरा उस्तरा छोड़ दीजिए, ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को बहुत ही एडवांटेज मिलेगा अगर छात्र हैं तो। ठीक है, जाहिर सी बात है छात्र ही हमारा वीडियो देखेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को एक खुशखबरी देना चाहेंगे कि जो 50% वाला मुद्दा था ना जीआईसी से, पूरी तरीके समाप्त हो चुका है। लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष महोदय ने, दोनों लोगों ने कंफर्म कर दिया है कि जीआईसी लेक्चरर हो चाहे आपका एलटी ग्रेड, सब एकदम टनाटन है। सारे विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे, सारे विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक, और एक एज रिलैक्सेशन के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है कि एलटी ग्रेड में जो खंड शिक्षा अधिकारी और एलटी ग्रेड के साथ जीआईसी प्रवक्ता में, इन तीन बड़ी भर्तियों में, चूंकि पीसीएस से ज्यादा या आपके पीसीएस जे से ज्यादा या अन्य भर्तियों से ज्यादा सर्वाधिक अगर आवेदन होता है तो वो होता है आपके एलटी ग्रेड में, जीआईसी प्रवक्ता में, खंड शिक्षा अधिकारी में और डायट प्रवक्ता में। ठीक है, ये चार ऐसी महत्वपूर्ण वैकेंसीज हैं जिनमें आवेदनों की संख्या सर्वाधिक होती है। अकेले आपके एलटी ग्रेड में ही 18 से 22 लाख आवेदन होते हैं। ठीक है, इस बार उतने ही होंगे और अकेले जीआईसी प्रवक्ता में आपके 12 से 14 लाख आवेदन होते हैं। पिछली बार की भर्ती में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले थे और इस बार की भर्ती में आप लोगों को डबल चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसमें बीएड की डिग्री अनिवार्य की जा रही है। विद्यार्थी इस बात को लेकर के हमारे पास काफी मैसेज करते हैं कि सर इस बार जीएससी लेक्चरर में क्या बीएड की डिग्री अनिवार्य है? जी हाँ, बिल्कुल बीएड की डिग्री अनिवार्य है। अगर आप बीएड नहीं है तो आप जीएससी लेक्चरर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और हुई है वही जो राम रचि राखा। अरे सर जी, झलवाए देते हैं, इतने टाइम वीडियो हम बनाते हैं। तो आप सभी लोगों को जो है ये एडवांटेज मिलेगा। इससे क्या होगा कि इससे कंपटीशन जो है वो इक्वल होगा, बराबर होगा, है ना। और जीएससी प्रवक्ता में खुशी वाली बात यह है कि आप लोगों को 3,500 से अधिक पद देखने के लिए मिलेंगे। पहले 3,260 पद थे और अमूमन जो है मतलब 250 पद गायब करने के बाद, मतलब हटाने के बाद जो है लगभग 2,850 की वैकेंसी आ रही थी, लेकिन इस बार आप लोगों को 3,500 के ऊपर वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जीआईसी प्रवक्ता में। और लोक सेवा आयोग ने जो अपनी नियमावली में संशोधन किया है, उस नियमावली के संशोधन के बाद अब आप लोगों को जब भी एलटी ग्रेड देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो 200 पद पे देखने के लिए मिले, उसके साथ में जीआईसी प्रवक्ता हमेशा प्लस रहेगा। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को तैयारियां बेहतरीन करनी है। अब ऐसा नहीं कि यार कि 200 पद आएगा एलटी ग्रेड, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दिया हूं। अब बाद बाद पता लगे कि वीडियो में आप सुने हो, लगे कमेंट करने लगे, मैसेज करने, नहीं मैं मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जैसे अगर कभी मान लीजिए भविष्य में 200 की वैकेंसी आई तो आप लोगों को तब भी एलटी ग्रेड के साथ जीआईसी प्रवक्ता देखने के लिए मिलेगा। ये संशोधन हो चुका है। ठीक है, मतलब प्रवक्ता की और सहायक अध्यापक की दोनों की वैकेंसीज एक साथ आएगी, ये कंफर्म हो चुका है। इसलिए अब आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मजे की बात तो यह है, डायट प्रवक्ता का पूरा अहर्ता वगैरह जो है तैयार हो चुका है। उसमें पहले जो है 50% प्लस बीएड रखा जाता था, लेकिन 50% का अब उसमें केवल परास्नातक लिखा गया है कि अभ्यर्थी के पास परास्नातक और प्रशिक्षण की डिग्री होना अनिवार्य है, और यही आपके एलटी ग्रेड में लिखा गया है। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, बहुत सारे विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे। और खंड शिक्षा अधिकारी की शैक्षिक अर्हता में कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ नई डिग्रियों को सम्मिलित किया गया है जिसमें बीटीसी, डीएलएड और डीएड विशिष्ट बीएड, ये सारे विद्यार्थी सम्मिलित किए जा रहे हैं। तो आप लोग भी अप्लाई कर पाएंगे,
तो बल्ले बल्ले करिए, क्या दिक्कत है, आराम से बढ़िया तैयारी करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ आप सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्नेह पूर्वक जुड़े हुए हैं, लेकिन चैनल को जो है मतलब शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, है ना। सब्सक्राइब कराइए, लोगों को जोड़िए इसके साथ में। और एक महोदय ने लिखा था कि आप झूठी खबरें देते हैं इसीलिए कोई शेयर नहीं करता है, तो ईश्वर उनको जो है सद्बुद्धि प्रदान करे। दूसरों पे पटाक्षेप करने से पहले, कटाक्ष करने से पहले व्यक्ति को स्वयं के भीतर झांक करके देखना चाहिए। सीधी सी चीज है, अगर आप दूसरे में छिद्रान्वेषण करते रहेंगे, मतलब बुराइयों को ढूंढते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कंपटीशन करना है तो आप उससे बेहतर करके करने की कोशिश करो, ठीक है ना। कंपटीशन स्वयं से करिए आप, किसी और से नहीं, किसी की तरक्की से या किसी के जो है मतलब स्वभाव से जलन मत रखिए बिल्कुल भी। अपने आप को थोड़ा सा बदलिए, अपनी सोच को डेवलप करिए, ठीक है ना। क्योंकि आज जिस सोच में इंसान जीता है, आज पहली चीज है कि युवाओं में बिल्कुल भी धैर्य की बिल्कुल कमी हो चुकी है। इसलिए क्योंकि वो जो उनकी अगर समस्याएं होती हैं, वो चाहते हैं कि उसका निराकरण केवल और केवल 1 घंटे के भीतर हो जाए या 1 दिन के भीतर हो जाए। जो प्रक्रिया आप सभी लोगों की 6 महीने से 8 महीने या साल भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, विद्यार्थी चाहते हैं, मतलब युवा आज का चाहता है कि वो केवल 1 दिन में हो जाए। इसीलिए आप लोगों में धैर्य की कमी होती जा रही है। धैर्य रखना सीखिए, विदाउट जो है पेशेंस आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ में। तो धैर्य, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, ये जान लीजिए। अगर आपके आपका समय मतलब जो है आपके भाग्य का समय, भाग्योदय का समय आ चुका है, तो कोई उसे रोक नहीं सकता है। कहीं ना कहीं किस्मत टकरा ही जाती है, ठीक है ना। कर्म करते रहिए, कर्म के बिना किस्मत भी अधूरी है, ठीक। ये तो हो गया आपके लिए नैतिक विचार। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब आपके एडेड जूनियर के लिए। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, भैया ये भर्ती जो है ना, कसम से बता रहे हैं, सरदर्द वाली भर्ती है। क्योंकि इस भर्ती को पूरी तरीके से रिजेक्ट करने के मूड में आ गई थी गवर्नमेंट, और अधिकारियों ने इसको मतलब इसका क्लोजर रिपोर्ट तलब किया है, मांगा है, और शासन से इस बात के लिए स्पष्टीकरण मांगा है कि इस भर्ती को किस बेस पे पूरा किया जाए, ताकि ये भर्ती कोर्ट आदि में चुनौती न दी जा सके। सारे कानूनी दांवपेच इसी भर्ती में अपनाए जा रहे हैं। पता नहीं क्या है, मतलब विद्यार्थियों को इतना इंटरेस्ट है इस भर्ती में, है ना। मतलब जो लोग 150 50 क्वेश्चन करके बैठे थे, वो तो पहले ही नाप गए। 130+ वाले क्वेश्चन वाले विद्यार्थी पहले ही नापे जा चुके हैं, और उसके नीचे वाले विद्यार्थी इंतजार में है कि हमारी काउंसलिंग कब होगी, है ना। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों की काउंसलिंग का जो मेधा सूची है, वो पहले ये लोग डिक्लेयर ही नहीं कर पा रहे थे कि हम स्टेट लेवल की बनाए, कि मंडल स्तर की बनाए, कि जिला लेवल की बनाए, ये तमाम चीजें, है ना। अब जाकर के इनका लोग का डिक्लेयर हुआ कि भैया जिला स्तर की मेरिट बनेगी। तो अभी तक क्या था कि पदों को जो है लोग डिवाइड ही नहीं किए थे कि किस जिले में कितनी सीटें आएंगी। तो इस समय पूरा बेसिक शिक्षा विभाग का जो प्रबंध तंत्र है वो इसी कार्य में लगा हुआ है कि इस जिले में कितनी सीटें डाली जाए, क्योंकि भैया ईडब्ल्यूएस को भी अलग करना है। पहले तो क्या होता था कि जनरल लाइन में ठेल देते थे ईडब्ल्यूएस को, और उसका पता ही नहीं चलता था कि उसकी मेरिट कहाँ गई, उसकी वो चीजें कहाँ गई। ऐसे ही वाकया जो है 2021 में हुआ है टीजीटी में, है ना। चयन बोर्ड कभी भी अपने रिजल्ट में ईडब्ल्यूएस लिखा ही नहीं, मतलब उसकी मेरिट अलग से, उसकी कट ऑफ तो जारी कर दिया लेकिन जो है मतलब उसकी मेरिट डिक्लेयर ही नहीं हुई। तो ऐसी परिस्थितियां अब जो है नहीं होने पाएंगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को मान्यता पूरी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने भी दे दी है। तो अब हर जगह ईडब्ल्यूएस होगा, हर वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस होगा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ये एडवांटेज उन विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, मिलेगा जो विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक। तो इसमें यही कार्य चल रहा है, और अमूमन मैं देख रहा हूं कि लगभग 20-22 तारीख तक यही कार्य आपका चलेगा। लगभग 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, क्योंकि जिले उत्तर प्रदेश में 75 जिले, 75 जिलों में कम से कम नहीं तो 25-50 सीटें तो जरूर आएंगी यार। 100-150 सीटें आएगी भैया, है ना। तो जाहिर सी बात है कि मतलब ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही आपकी मेधा सूची जारी होगी। और खुशी की बात तो ये है
कि आप लोगों की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा चुका है। शिक्षा निदेशालय गए थे, इन सारी चीजों का जो है कंफर्मेशन प्राप्त हुआ है कि जिले वाइज सीटें जो है बांटी जा रही हैं। सब्जेक्ट वाइज तो बांटी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक जिले वाइज सीटें आवंटित नहीं की गई थी, क्योंकि ये कंफर्म किया गया था कि भैया अपना जो है सिंपल सिंपल काउंसलिंग करा करके विद्यार्थियों को नियुक्तियां दे दी जाएंगी, इससे विद्यार्थी कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए क्योंकि जिस जिले में मान लीजिए कि किसी की अच्छी मेरिट है, 130 प्लस क्वेश्चन है उसका और एकेडमिक भी उसका अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि एडेड जूनियर में वो बवाल काट सकता है। ठीक है, अगर उसको उसके मनपसंद जिला नहीं मिला तो इस बेस पे जो है मतलब इस विज्ञापन को फंसा सकता है। इसलिए जिले वाइज सीटें आवंटित की जा रही हैं, जो विद्यार्थी क्रीम प्लेस पे जाना चाहेंगे वो जाहिर सी बात है अगर उनकी मेरिट बेहतर होगी तो वो कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती में इसी तरीके का विवाद हुआ था। ठीक, लेकिन उसका पूरा सीटों का ब्यौरा जारी किया गया था कि किस जिले में कितनी सीटें हैं, और अधिकतर विद्यार्थियों ने 2800 वाले और 3100 वाले 3600 वाले जिलों को ही पकड़ा था। आप लोग ये जान लीजिए कि ज्यादातर सीटों वाले जो है मतलब जिलों में अधिकतर विद्यार्थी अप्लाई करते हैं, तो अगर आपकी मेरिट बनती है वहां पे तो आप अप्लाई कर लेना। ठीक है, और ये सीटों का पूरा ब्यौरा आप लोगों का वो जो है दिसंबर में ही जारी होगा, मतलब 25 दिसंबर के पहले पहले आप लोगों को सीटों का पूरा ब्यौरा, किस जिले में कितनी सीटें हैं, ये सारे डिटेल्स आप सभी लोगों को वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और मजे की बात तो ये है कि एक नई वेबसाइट लॉन्च की जाएगी, उसी के माध्यम से आप सभी लोगों की काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा। ठीक, मेधा सूची आप लोगों की बहुत जल्दी जारी करवाना है, टेंशन मत लीजिए इसके लिए। और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के जब बात किया जाता ना तो बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है वो कहते हैं राम राम सीता राम। तो ऐसी प्रक्रिया अपनाते ही क्यों हो कि राम राम सीता राम करना पड़े, है ना। तो जाहिर सी बात है अगर समस्याएं हैं और आपने दर्द दिया है तो इलाज भी आप ही कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना। तो एडेड जूनियर वाले विद्यार्थी थोड़ा निश्चिंत हो जाए, कार्य उनका स्टार्ट हो चुका है और प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं। आप जानते ही हैं अधिकारी जो है मतलब कछुए की चाल भी चलना पसंद नहीं करते हैं, वो चींटियों की चाल नहीं पसंद करते हैं, वो 9 दिन में 2.5 कोस चलते हैं, और चूंकि हमारी मंजिल 3 ही कोस पे है तो 2.5 चल ही चुके हैं, आधा और चलना है, आधा कोस है ना, तो ठेल ठाल के वहां तक पहुंचा ही दिया जाएगा, निश्चिंत रहे इसके लिए। टीजीटी पीजीटी 2022 में चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां कब तक होंगी, ये तो कंफर्म हो चुका है भैया कि अभी शासन इस पे कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन कल की डेट में एक सूचना प्राप्त हुई है आपके एलटी आपके टीजीटी पीजीटी के लिए कि बेसिक शिक्षा विभाग के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक मीटिंग आज की डेट में जो है वो शासन स्तर पर बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है अधिकारियों से थोड़ा प्रेजेंटेशन लिया जाएगा, इसमें माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी भी सम्मिलित होंगी, जिसमें आप सभी लोगों के तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, जिसमें एलटी ग्रेड कला विद्यार्थी साथ ही साथ जीआईसी प्रवक्ता के जो विद्यार्थी चयनित हैं उनकी नियुक्ति आदि के संबंध में क्या समस्याएं आ रही, क्यों उन विद्यार्थियों को नियुक्तियां नहीं मिल पा रही हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के परीक्षा प्रारूप पर भी चर्चा की जाएगी। ये तो क्लियर है कि भैया एलटी ग्रेड इस बार आपका 1 टियर ही होगा, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी और आपके जीआईसी लेक्चरर के मेंस मुख्य परीक्षा जो होती है उसके ऑब्जेक्टिव कराने पर जो है शासन ने सहमति दे दी थी कि आप ऑब्जेक्टिव करा सकते हैं। अब लोक सेवा आयोग को लास्ट निर्णय करना है कि हमने ऑब्जेक्टिव रखना है या हमें डिस्क्रिप्टिव रखना है। ठीक है, अब लोक सेवा आयोग इस पर निर्णय करेगा, बैठक करेगा तो उस पर निर्णय हो जाएगा। ठीक, दूसरा एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को परीक्षा कैलेंडर में सम्मिलित करना, तो क्या यह प्रक्रिया 6 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी? मेरा जवाब है हाँ, 6 महीने के अंदर इसको पूरा करने पर विचार किया जा रहा है। प्रवक्ता की मैं बात नहीं कर रहा, मैं जीआईसी लेक्चरर की बात नहीं कर रहा, मैं एलटी ग्रेड की बात कर रहा। एलटी ग्रेड को हर हाल में 6 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि नए शैक्षिक सत्र के पहले अध्यापकों को जीआईसी कॉलेजेस में भेजना ये सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। वजह यह है कि 43 नए विद्यालयों का ओपनिंग जो है वो नए शैक्षिक सत्र में किया जा रहा है, वो जीआईसी कॉलेज है, जिसमें से आपके लगभग 20 कॉलेजेस
मतलब वो जीजीआईसी है, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज है, और शेष विद्यालय आपके वो जीआईसी है, राजकीय विद्यालय है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चिंता करेंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे, इससे बेहतर है कि आप तैयारी कर लो। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आज लेने के लिए आपको 9741 पर संपर्क करना होगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप लोग इस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और नोट्स आदि अपना बुक कर सकते हैं, टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीएससी यूपी ट्रिपल एससी केवीएस आदि के नोट्स आप सभी लोगों को रामबाण उपलब्ध कराया जा रहा है, बेहतरीन शत प्रतिशत सफलता की गारंटी हमारा नोट्स आपको उपलब्ध कराता है, शत प्रतिशत सफलता की गारंटी। अगर आप उसे तैयार करते हैं तो कहीं बाहर से उसका क्वेश्चन वोश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और आप निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों को मजबूत बना सकते हैं। जो विद्यार्थी हमारे साथ 72825 आदि के याचिका में जुड़ना चाहते हैं या टीजीटी पीजीटी में, लास्ट चांस मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2016 के हों या 2021 के विद्यार्थी हों। वेटिंग लिस्ट आदि वाला मुद्दा जो है वो टीजीटी 2016 में तो भैया चयन बोर्ड पहले ही डिक्लेयर कर चुका है हमारे पास सीट ही नहीं है। शिक्षा निदेशालय के पास जानकारी मांगने के लिए चयन बोर्ड ने एक पत्र लिखा है और शिक्षा निदेशालय से जानकारी मांगी गई कि हमारे पास सीटें कितनी रिक्त हैं। अगर नए अध्याचन के आ रहे हैं, क्योंकि पोर्टल भी खोला जाना है आपका दिसंबर लास्ट तक, है ना, 24-25 तक जो है आपका पोर्टल चयन बोर्ड फिर से ओपन करेगा और नए जो आपके नए अध्याचन मंगाएगा, ठीक है। और ये नए अध्याचन आपके जोड़े जाएंगे किसमें, इसी 2022 की वैकेंसी में, ठीक। 20,500 पदों का पूरा डिटेल, जो तदर्थ शिक्षकों का पद था उनका पूरा डिटेल चयन बोर्ड आया था, क्योंकि अभी शासन उस पर जो है मतलब फैसला नहीं ले पाया है कि तदर्थ शिक्षकों के पदों का क्या करना है, तो इन सारी चीजों को तो ये तो डिक्लेयर हो गया शिक्षा मंत्री माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के माध्यम से कि तदर्थ शिक्षकों के जो नए पद हैं वो नए विज्ञापन में डाले जाएंगे। अब नया विज्ञापन सर्वा आएगा कब, जाहिर सी बात है कि वो मतलब जो है जारी होगा कब, 2023 के लगभग जो है मतलब लास्ट में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन होगा। अब वो आएगा कि नहीं आएगा ये हम गारंटी नहीं ले सकते, ठीक है। अभी 2022 के जो विज्ञापन आया ना वही पर फोकस करो। और सबसे मजेदार बात यह है कि शासन स्तर पर जो ये कंप्यूटर साइंस वाले विद्यार्थी हैं इनको जो है पूरी तरीके से सहमति मिल चुकी है कि भैया इनको भी आवेदन करने का अवसर दे दिया जाए। मजे की बात तो यह है कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों अर्थात टीजीटी पीजीटी के विद्यालयों में आप लोगों को तकरीबन 941 पद मिलेंगे यह आवेदन करने के लिए। यह कंफर्म हो गया है कि एग्जाम के पहले पहले तीन महीने पहले पहले आप लोगों से भी आवेदन ले लिए जाएंगे पोर्टल वगैरह खोल करके। सहमति बन चुकी है, शासन स्तर पर भी सहमति बन चुकी है और इसके संबंध में जैसे ही चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां होती हैं, वैसे गवर्नमेंट चाह रही है कि मतलब वीरेश कुमार राय जी रिटायर हो जाएं उसके बाद नए तरीके से जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन किया जाए, ठीक है। और इसको नया आयोग बना दिया जाएगा, आयोग बनेगा तो परीक्षा कैलेंडर वगैरह जारी होगा, एकदम टनाटन सारा कार्य रहेगा। आप लोगों को पहले ही पता हुआ करेगा कि सर्वा टीजीटी पीजीटी आएगी कब, है ना, और उसकी परीक्षा कब होगी, उसका परिणाम कब तक आएगा, ये सारी चीजें आपकी डिक्लेयर होंगी, जाहिर सी बात है। और रही बात आपके यूपीटेट 2022 के विज्ञापन की, तो ये यूपीटेट 2022 आप लोगों को दिसंबर लास्ट या जनवरी मतलब जो है 15 जनवरी के पहले पहले विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। वजह यह है, अब आप कहेंगे सर जी आपने डेट बढ़ा दिया, देखिए हमने यूपीटेट को लेकर के कभी यह नहीं कहा था कि आपका श्योर जो है मतलब वो दिसंबर में विज्ञापन आ जाएगा। वजह यह थी कि ये उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ दिशा निर्देश जारी कर देगा बीएड बनाम बीटीसी आदि के केस को लेकर के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। और जब तक नेता लोग मतलब नहीं चाहेंगे तब तक विद्यार्थी जो है उनके चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अब इसका विज्ञापन आप लोगों को पीएनपी को ही जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि पीएनपी से ही ये परीक्षा कराई जा सकती है, ठीक। और कोई भर्ती संस्थान तो लेगा नहीं, लोक सेवा आयोग तो बंडा नहीं कराएगा इसको, बंडा समझते हैं ना, दो ठू सब्जी आती है घियावा बंडा एक ठू अलग सा, लेकिन कभी उसको खाना मत, बहुत बेकार सब्जी आती है उसकी तो इसीलिए जो है लोक सेवा आयोग तो कराने से रहा। यूपी ट्रिपल एससी आपका कराएगा नहीं, क्यों, क्योंकि अब उसकी जो भी परीक्षाएं होंगी भैया वो पिट के आधार पे होंगी, है ना, प्रारंभिक अर्थात परीक्षा पिट के आधार पे होंगी।
और बाकी बचा आपका उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग, तो वो कराने से रहा, वो अपने विज्ञापनों में खुदा ही उलझा हुआ है। एक विज्ञापन की परीक्षा तो 3 साल में करा नहीं पाता है, तो जाहिर सी बात है यूपी टेट क्या बंडा कराएगा, है ना। उसके बाद आपका बसता है अन्य माध्यमिक शिक्षा परिषद, जो यूपी बोर्ड है, वो हाई स्कूल इंटर के पेपर में खुदा ही परेशान है, अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाया कि कौन सा पेपर कब कराया जाए, कब से स्टार्ट किया जाए। मार्च से, वैसे जो सूचना मिल रही है कि फरवरी तक पूरी आपकी प्रक्रिया चलेगी और मार्च में आप लोगों का पेपर होगा। किसका? हाई स्कूल इंटर का। अगर ऐसा हो गया ना, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का पेपर जो है वो फरवरी में तो प्रवक्ता निश्चित हो जाएगा, ये भी जान लीजिए। फरवरी में प्रवक्ता के लिए फिर आप तैयार हो जाइएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं मतलब एकदम सुस्त पड़ जाओ कि अरे सर जी ने बता दिया। टीजीटी के लिए आप सुस्त हो सकते हो, लेकिन प्रवक्ता के लिए नहीं। और वैसे भी अभी एग्जाम आदि के जो है पैटर्न स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, और जैसी भी सूचना होगी आप लोगों को हम स्वयं बता देंगे जी, टेंशन ना लीजिए। आप लोग बढ़िया से तैयारी व्यारी करते रहिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए, जुड़े रहिए साथ में गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन, कल कई विद्यार्थियों ने हमसे पूछा था कि सर यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन कब तक आएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो आप लोगों के सामने एक मीडिया हाइप बनाई गई थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि हमारे पास पदों की संख्या, हम भर चुके हैं इतनी वैकेंसी, ऐसी कोई जो है मतलब प्रेस विज्ञप्ति रिलीज नहीं की गई थी, ठीक है। और कल इस संबंध में आदरणीय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी सर को एक ज्ञापन सौंपे थे हम लोग, और उनसे रिक्वेस्ट करके पूछा था कि क्या क्या सर आगामी 1-2 महीनों के भीतर पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से या पुलिस विभाग में क्या सिपाहियों की और दरोगाओं की भर्ती की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया था गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर है, आप लोगों के लिए एकदम क्लियर है गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी, ठीक है। विज्ञापन आएगा, निश्चित आएगा, 30,000 पदों पर आएगा, 30,000, ठीक है। और ये पद आप लोगों को नए साल में ही देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि नए साल की जो प्रक्रिया होगी वो जाहिर सी बात है चुनावी वर्ष की प्रक्रिया होगी, और इस साल में मतलब नए वर्ष में जो आप लोगों की जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी उसमें आपका एडेड, उसमें आपका जूनियर, उसमें आपका प्राथमिक, उसमें आपका माध्यमिक, ये तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं। साथ ही साथ 4th क्लास के कर्मचारियों की भी अच्छी खासी नियुक्तियां होनी है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है नौकरी कोई भी छोटी नहीं होती है, तब इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग चपरासी की तैयारी करने लगे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किया करिए। वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थियों को मैं बता दूं भैया 13-3 भूल जाइए,